दोस्तों यकीनन आप लोगों ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी चोर बाजार का नाम तो सुना होगा। ये नाम सुनकर आपके जहन में पहली बात तो यही आती होगी कि शायद ये वो बाजार है जहां चोरी का सामान फरोख्त किया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर इस बाजार को चोर बाजार क्यों कहा जाता है, क्या ये बाजार सिर्फ पाकिस्तान में है या दीगर ममालिक में भी पाए जाते हैं, और ये चीजें आखिर इतनी सस्ती किस तरह से दस्तयाब होती है, यानी 1 लाख की चीज यहाँ पर 10,000 रुपए में कैसे मिल जाती है। तो आइए जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम आपको पाकिस्तान के शहर लाहौर लिए चलते हैं, जहाँ पर दरोगावाला के इलाके में एक बाजार है जिसका नाम चोर बाजार है। दोस्तों ये बाजार काफी ज्यादा मशहूर है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीजें मिलती है। यहाँ पर मुख्तलिफ सामान जो कोरिया से लाया जाता है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी से लेकर हर वो चीज़ जो आम ज़रूरत की है, यानी मेकअप, माइक्रोवेव, लाइट्स, हर चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं, और लोग इन्हें देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान भी हैं कि ये चीज़ें आम तौर पर तो हमें सिर्फ लाखों में मिलती हैं लेकिन यहाँ पर हज़ारों में किस तरह से मौजूद है। तो दोस्तों यहाँ पर दुकानदारों का यही कहना है कि ये कंटेनर बाहर से मंगवाए जाते हैं, कोरिया से आते हैं और यहाँ पर लाकर उन्हें फरोख्त किया जाता है। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताएं कि पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में बड़े बड़े शहरों में एक ऐसा बाजार जरूर होता है जो चोर बाजार के नाम से जाना जाता है। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि और भी बहुत से ममालिक हैं जहां पर इस तरह की चीजें मौजूद हैं। आइए आपको पेरिस के बाजार के बारे में बताएं। दोस्तों ये दुनिया का सबसे पुराना चोर बाजार समझा जाता है और कहा जाता है कि यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो आपको बाज़ारों में बहुत महंगी मिलती हैं लेकिन यहाँ पर वो कचरे के ढेर में मिलती हैं। दोस्तों ये बाज़ार जो है इसका आगाज 1800 के आसपास हुआ। बताया जाता है कि ये बाज़ार पहले यहाँ पर कचरा उठाने वाले लोग रहा करते थे। वो कचरा उठाकर लाया करते थे, कचरे से जो चीज़ें निकला करती थी वो अपनी बस्ती के इस इलाके में उसे फरोख्त किया करते थे। यहाँ पर सामान मिल जाया करता था। देखते देखते ये एक पूरी मार्केट की शक्ल इख्तियार कर गया और ये चोर बाजार के नाम से मशहूर हो गया। यहाँ पर चोरी का सामान लाकर भी बेचा जाता है। आइए अब आपको लिस्बन के चोर बाजार के बारे में बताएं। दोस्तों ये सामान जो यहाँ पर फरोख्त होता है, लोगों का यही कहना है कि चोरी करके लाया जाता है, और इस बाजार में भी हर चीज आसानी से मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं लेकिन उससे पहले हम आपको बताएं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल येलो को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब आपको उस चोर बाजार के बारे में बताते हैं जो अक्टूबर और मई में लगाया जाता है। दोस्तों ये जो है क्वारंटीन 30 कहा जाता है, अमेरिका का ये एक बाजार है। यहाँ पर जरूरत की हर चीज जो है वो मिल जाती है और यहाँ पर भी चीजें काफी सस्ती हैं। आइए अब आपको चाइना के हांगकांग के बाजार लिए चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर नकली सामान काफी ज्यादा बेचा जाता है। यह आपकी किस्मत पर है कि अगर आपने जो नकली सामान यहाँ से खरीदा वो खराब भी हो सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पर टूरिस्ट जो है वो बहुत ज्यादा आते हैं, यहाँ का रुख करते हैं। इसको आमतौर पर कैप स्ट्रीट मार्केट के नाम से भी जाना जाता है। ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर भी काफी मशहूर है। अब आपको एक ऐसे बाजार के बारे में बताएं जो रात को लगता है सिर्फ। ये थाईलैंड के बैंकॉक में मौजूद है। यहाँ पर रात के वक्त चीजें लाई जाती हैं और उन्हें फरोख्त किया जाता है। जब लोगों से पूछा जाता है कि आखिर ये चोर बाजार रात में ही क्यों लगता है तो वो ये कहते हैं कि चोर जो है वो रात के वक्त चोरी करता है तो सामान भी रात को ही फरोख्त करना चाहिए। दोस्तों ये जो बाजार है रात भर खुला रहता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें फरोख्त की जाती हैं। उसके अलावा यहाँ पर कपड़े जो काफ़ी महंगे हैं वो भी लाए जाते हैं। उसके अलावा कहा जाता है कि जितनी भी पुरानी गाड़ियाँ हैं उनको मॉडिफाई भी यहाँ पर किया जाता है और हर तरह की गाड़ी के पार्ट्स भी यहाँ से मिल जाते हैं। आइए अब आपको इंडिया के एक बाजार के बारे में बताते हैं। दोस्तों ये इंडिया का चोर बाजार गाड़ियों के सामान के हवाले से दुनिया भर में मशहूर है। कहा जाता है कि यहाँ पर गाड़ियों को मॉडिफाई किया जाता है, गाड़ियों के सामान यहाँ से मिल जाते हैं, उनके स्पेयर पार्ट्स को तब्दील किया जाता है और ये काफ़ी सस्ता भी है। पुलिस ने कई बार यहाँ पर रेड की लेकिन ये बाजार कभी बंद ना हो सका। अब आपको यूपी के चोर बाजार की तरफ ले जाते हैं। दोस्तों ये चोर बाजार जो है यहाँ पर भी गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं, उसके ऑटो पार्ट्स, हर तरह की चीज। ये दुनिया भर में एशिया की सबसे बड़ी स्क्रैप मार्केट के तौर पर जानी जाती है। दोस्तों यहाँ पर जिम का सामान भी काफी आसानी से मिल जाता है। इसी तरह एक और चोर बाजार मौजूद है, इस
के हवाले से कहा जाता है कि इस बाजार से तो जहाज के पुर्जे तक मिल जाते हैं। जी हाँ, ये बात काफी ज्यादा मशहूर है। ये मुहावरा वैसे आमतौर पर इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि यहाँ पर जो सामान फरोख्त किया जाता है, यानी हर तरह की चीज यहाँ पर मौजूद है, वैरायटी काफी ज्यादा होती है, इसलिए कहा जाता है कि जहाज के पुर्जे भी वहां से आपको मिल जाएंगे। कोई सामान आपको दूसरी मार्केट से ना मिले तो आप इस मार्केट का रुख जरूर करें, यहाँ पर हर तरह का सामान मौजूद है। दोस्तों, इसी तरह बेंगलोर में भी एक बाजार लगाया जाता है जहां पर इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें मौजूद होती हैं, कॉस्मेटिक की चीज़ें मौजूद होती हैं, और इस बाजार को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है क्योंकि यहां पर चीज़ें काफ़ी सस्ती मिलती हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपको कुछ ऐसे चोर बाजारों के बारे में बताया कि आखिर वो लगाए क्यों जाते हैं, वहां पर चीजें सस्ती क्यों मिलती हैं, और हमने आपको लाहौर के इलाके दरोगावाला के एक इतवार बाजार के बारे में भी बताया जहां पर चीजें काफी सस्ती मिलती हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल येलो को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि मजीद आने वाले वक्त में जो वीडियोस हम आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके।